एक और रिक्रूटमेंट को लेकर गंभीर आरोप लग रहे थे। आरोपी नहीं लग रहे थे, यही लोग थे जो लोग पोस्टर बना के लाए थे, जिस पोस्टर में इन लोगों ने दिखाया था कि कैसे एक ही परिवार के चार चार लोग सिलेक्ट हुए हैं। वरिष्ठ वकील अभिनव शर्मा भी इस मामले में कूद पड़े, उन्होंने भी कहा कि ये स्कैम है, प्रेस वार्ता भी की उन्होंने और सरकार से केवल एक मांग की, कहा कि इस मामले में फौरन इंक्वायरी ऑर्डर कर दी जानी चाहिए। एक लंबा वक्त गया, सबको लगते थे और प्रेस क्लब के बाहर धरना देते थे और धरना देने का केवल एक मकसद कि इस मामले में भी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी जाए। हालत जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंटों की अब यह हो चुकी है कि अब हर रिक्रूटमेंट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और यह बड़ा गंभीर है, बड़ा चिंताजनक है। सरकार को इस मामले में सोचने की जरूरत है, विचारने की जरूरत है। आप इम्तिहान कितना भी साफ करा लें, लेकिन अगर उस इम्तिहान की विश्वसनीयता पर लोगों को विश्वास नहीं तो आज भी लोग सड़कों पर हैं, कल भी लोग सड़कों पर होंगे। मेरे साथ फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के वो एस्पिरेंट हैं जिन लोगों ने ये गुहार लगाई थी, ये हंगामा किया था, आज आप इंक्वायरी इसमें ऑर्डर हुई है, क्या कहेंगे? जी सर, पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि TSL ने हमारी बात आगे पहुंचाई है। तो आज हम बहुत खुश हुए जब हमने ऑर्डर देखा है तो 3 मेंबर की कमेटी इस पे बिठाई है जो वो इनिशिएट की गई है, तो हमें उम्मीद की किरण तब जागी है जब हम LG साहब के पास गए। LG साहब ने खुद कहा कि मैंने इस पे 3 मेंबर की कमेटी बिठाई है, तो हमें नहीं लग रहा था। तो हम श्रीनगर से जम्मू आ गए, हमने करीबन यहां से करीबन 50 प्रोटेस्ट किए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारी आवाज कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन आज हम अभी रिसेंटली 1 घंटा हो गया, हमने अभी ऑर्डर देखा है, 3 मेंबर की कमेटी इस पे बैठ गई है, तो हमें पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है उस 3 मेंबर की कमेटी पे है। वो फियर तरीके से बिल्कुल उसी तरह से रिपोर्ट सबमिट करेंगे LG साहब को जिस तरह उसने PSI, FEE और JEE में उन्होंने सबमिट किया है। तो खासकर हम LG साहब को शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो जम्मू कश्मीर के यूथ, खासकर फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट, 2020 में जब ये लिस्ट मंजर आम पर आया है, इसमें इसको नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। 6000 कैंडिडेट थे उस टाइम जब हमने ये एग्जाम दे दिया, तो आफ्टर दैट इसमें 700 कैंडिडेटों की भर्ती है, तो 700 कैंडिडेट इसमें लगे हुए, वो भी जॉब कर रहे, उनको 2 साल लगे हुए, सब कह रहे कि उनकी जॉब लग गई है तो उनको कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन खासकर एवेन्यू शर्मा के हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं, वो BJP के स्पोक्स पर्सन भी है और उसने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये भी है, अगर 10 साल के बाद भी अगर नौकरी कोई कर रहा है वो बाहर जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अगर एक क्वेश्चन लीकेज हुआ है उससे सिलेक्शन रुक भी जाती है, सिलेक्शन होती भी है, इन और आउट उसे होता है। लेकिन आज क्या हुआ, हम खासकर एवेन्यू शर्मा के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं, उसने हमें LG साहब से 2 बार मिलाए हैं और उसकी कारण क्या आज रिजल्ट आप लोगों के सामने आ गया, ये इसमें 3 मेंबर की कमेटी इनिशिएट की गई है, तो हम यही चाहते हैं कि वो बिल्कुल उसी तरह से रिपोर्ट सबमिट करेंगे जिस तरह उसने PSI, FEE और JEE में उन्हें सबमिट वो रिपोर्ट किया। हम खासकर LG साहब के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। सर, क्या लगता है आपको, अब ये जो 3 मेंबर की कमेटी है जिसमें FC होम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं, वो राजकुमार गोयल, उसके अलावा सेक्रेटरी GAD, सेक्रेटरी लॉ, ये 3 मेंबर की कमेटी है, ये लगभग वही कमेटी है जो FAA के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए बनाई गई थी, उसी तरह की कमेटी है, तो आपको क्या लगता है ये कमेटी क्या करेगी? बिल्कुल सर, आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है। जो 3 मेंबर की कमेटी इस पे बिठा दी गई, खासकर इसका जो एडिशनल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर का है वो है RK गोयल साहब, तो वो एक बिग डिग्निटरी है, ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है, उसने रिसेंटली एक FEE और SI में इन्वेस्टिगेशन किया है, तो वो बिल्कुल स्क्रैप हुआ है, वो उसने उसमें उतनी दांधली नहीं है जितनी फायर एंड इमरजेंसी में, क्योंकि जब भाजपा ने यहां पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया है, उन्होंने एक वादा दिया जम्मू कश्मीर के यूथ को कि यहां पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, जब 370 आर्टिकल हटने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, लेकिन उस वक्त भी हम सड़कों पे आए चिल्लाए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारी आवाज को कुछ ब्यूरोक्रेट्स दबा रहे हैं। अभी हमारे जम्मू कश्मीर में कोई CM नहीं है, कोई MLA नहीं है, ये कौन कर रहे थे, ये ब्यूरोक्रेट्स कर रहे थे, LG तक ये हमारी बात नहीं पहुंच रही, क्योंकि जब मैंने पहली मुलाकात LG साहब से की तो उसने मुझे ये कहा कि मेरे संज्ञान में पहली दफा आया है, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे मैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। तो आज हम आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और खासकर
गजनफर नबी जो मतलब निडर पर्सनैलिटी है वो खुद आया है और उसने कोर्ट में लिख के दिया है कि एफिडेविट कि मैंने पेपर कहां से पकड़ा है, ब्रोकर का नाम बताया है, सब कुछ बताया कि मैंने उस वक्त कितनी डील हो गई है। लेकिन वो एक मतलब उसने अभी गवर्नमेंट का साथ दिया है, कंधे से कंधा मिलाकर उसने वो गवर्नमेंट का एक गवाह बन चुका है। तो मैं गजनफर नबी को भी शुक्रिया अदा पेश करना चाहता हूं कि आजकल ऐसे बंदे मार्केट में ज्यादा नहीं मिलते क्योंकि वो बिग ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है, खासकर गजनफर नबी। तो उसके बाद अभिनव शर्मा साहब ने उसने भी मतलब पहले से लेकर आज तक उसने गवाह लगाई कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जम्मू कश्मीर में, लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं सुनता था। मैंने दो बार एलजी साहब से अपॉइंटमेंट किया, उसने कहा कि इसके 3 मेंबर की कमेटी बिठाई गई है, लेकिन हमें नहीं लग रहा था, हम चाहते कि पब्लिक डोमेन में आए, अनाउंसमेंट होनी चाहिए। तो आज वो इंशाल्लाह हो गया, तो कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह ये लिस्ट भी स्क्रैप हो जाएगा। सर आप तो कह रहे हैं लिस्ट स्क्रैप हो जाएगा, लेकिन इम्तिहान 2020 में हुआ, 2 साल गुजर गए, मान लीजिए कल इस लिस्ट को स्क्रैप कर दिया जाता, इम्तिहान का सिलसिला दोबारा शुरू होगा, कब जाकर आप फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट मुलाजिम लगेंगे? अगर ये भी स्क्रैप हो गई कब रिक्रूटमेंट मुकम्मल होगी, क्योंकि ये वही फायर एंड एमरजेंसी वाली रिक्रूटमेंट है जो शायद 2012 में शुरू हुई थी या 2013 में शुरू हुई थी? बिल्कुल 2013 में ये रिक्रूटमेंट शुरू हुआ है, 2013 में जब ये रिक्रूटमेंट मंजर आम पर है तो उस वक्त भी स्क्रैप हुआ, 2018 में भी स्क्रैप हुआ, 2020 में भी स्क्रैप हुआ। अब इस पे 3 मेंबर की कमेटी जो बिठाई गई, बताएं ये बार बार स्क्रैप हो रहा था, ये हो क्यों रहा था बार बार स्क्रैप? सर देखिए सर, मैं आपको आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये जो स्क्रैप हो रहा है ये पीडीपी की गवर्नमेंट उस वक्त भी हो रहा है, ये नेशनल गवर्नमेंट थी उस वक्त भी हो रहा है, कांग्रेस गवर्नमेंट उस वक्त भी हो रहा है, लेकिन बाहर नहीं निकलती थी। आज हमें मतलब आज हम बहुत खुश है कि आज ये स्कैम बाहर निकली है, तो एलजी साहब के हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं क्योंकि उसने आज इस पे 3 मेंबर की कमेटी इनिशिएट की है। तो हमें इंशाल्लाह हमें लग रहा है कि ये लिस्ट स्क्रैप हो जाएगा, क्योंकि आप चाहते हैं इम्तिहान दोबारा हो जाए। देखो इसमें जो 3 मेंबर की कमेटी एलजी साहब ने बिठाई, जो वो फैसला करेगी वो हमारे सराखों पर उसको एक्सेप्ट करते वही ठीक है। मतलब अगर वो कहेंगे इम्तिहान दोबारा तो आप इम्तिहान दोबारा दें? बिल्कुल सर, जो वो फैसला करेगी वो हमारे सराखों पे। जो आप एलिजिबल हैं? बिल्कुल सर नहीं, हम तो एलिजिबल है ही नहीं, जो मेरी एज है वो 29 चल गई, तो इसका जो क्राइटेरिया था 18 से लेकर 28 और फिर सर इसमें अभी हम तो एलिजिबल नहीं रहे हैं, लेकिन जो 3 मेंबर कमेटी जो फैसला करेगी हमारे सराखों पर हम एक्सेप्ट उसको करते हैं सर। नहीं मान लीजिए कल ये फैसला कर लेते हैं जी स्क्रैप हो गई, आप भी दोबारा इम्तिहान लेना होगा, तो फिर आप क्या एज रिलैक्सेशन मांगेंगे? नहीं, एज रिलैक्सेशन नहीं मांगेंगे। जिस तरह रिसेंटली ऐसा लिस्ट स्क्रैप हुआ, आफ्टर दैट री एग्जाम हो गया, हम उस वक्त जो हमने फिजिकल 2 बार हमने क्वालिफाई किया, 3 बार हम एग्जाम में अपियर हुए, तो हम वही चाहते हैं। अगर 3 मेंबर कमेटी चाहती है हमारे लिए इंसाफ, हम वही इंसाफ चाहते हैं। अगर उन्हें री एग्जाम के लिए कुछ प्रोसीजर निकालेंगे, हम री एग्जाम देने के लिए भी बिल्कुल तैयार है सर। तो आपने सुन लिया कि ये री एग्जाम देने के लिए भी तैयार है। फिलहाल खबर यही है कि फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट 2020 में हुई थी, 2013 में स्क्रैप होने के बाद 2018 में इनके मुताबिक 2020 में 3 बार 2 बार ही स्क्रैप हो चुकी है, तीसरी बार अब ये क्या कहते हैं फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट ने सिलेक्शनें की थी, लेकिन उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए। अब आज सरकार ने 3 मेंबर की कमेटी बनाई है और 3 मेंबर की कमेटी इस मामले में अब प्रोब करने लगी है, पड़ताल करने लगी है, और इन तमाम बच्चों का यह कहना है कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के शुक्रगुजार हैं और उसके साथ में सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस मामले को उठाया और ये मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाया। नतीजा ये निकला कि आज इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है और अब दोबारा से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम राजकुमार गोयल, उसके साथ में डॉक्टर पीयूष सिंगला और अचल सेठी के कांधों पर यह जिम्मेदारी है कि वो उसी ईमानदारी के साथ, जिस ईमानदारी के साथ उन्होंने पहली वाली रिपोर्ट तैयार की थी, ये रिपोर्ट तैयार करके बताएं कि वाकई जो ये इल्जामात लगा रहे हैं वो सत्य पर आधारित हैं या नहीं।